सरवर आशा करो इतना याद रखी ये उस शहीद का मातम है जिसकी लाश पे आके आका हुसैन कहता है कि या मेरे ये लब पर अब दुनिया वादा कर लबा मेरे लाल तेरे बाद जिंदगानी दुनिया पे खाक है कौन अकबर सुनिए दो सानिया लूंगा एक वक्त मदीने में वो आया मौला हुसैन पर जब बेचैनी इतनी बड़ी के जाके नाना के रोजे पे मुसलसल रोते थे कहते थे नाना अब आपके बगैर ये जिंदगी नहीं गुजरती एक दिन कब्रे मुबारक पर रो रहे थे कि आग लग गई ख्वाब में क्या देखा कि नाना आए कह रहे मेरे लाल हम करीब अल्लाह तुझे ऐसा बेटा ऐसा करेगा जो शक्ल सूरत में मेरी शबी होगा लीजिए मदीने में खुशियों की शुरुआत हो गई कि अन करीब शबीए रसूल आने वाला है और एक दिन वो आया जब जनाबे अली अकबर की विलादत हुई अजादारों मदीने में ऐसी ईद फिर नहीं मनाई गई इमाम हुसैन ने सारे मदीने को तोहफे दिए सारे मदीने को शायन शान तोहफे दिए जब सारा मदीना आके तोहफे लेके जा चुका तसव्वुर कीजिए मैं मदीने लेके चल रहा हूँ आपको जब सारा मदीना तोहफे लेके चला गया तो फिर वो गरीब बहन पहुंची बस भाई फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया अपनी मस्तक पर बहन को बिठाया क्या बहन आपकी खिदमत में क्या तोहफा पेश करूं ये लीजिए बहन ने तोहफा भी मांगा तो क्या कहा हुसैन आज मुझे वो दे दे जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज हो जब बहन ने भाई से फरमाइश तो कर दी ये लीजिए उम्मे लैला कही के हवाले से अली अकबर ले आए अली अकबर जनाबे ज़ैनब को दे दिया जनाबे अली अकबर को जनाबे ज़ैनब ने लिया अपनी चादर में छुपाया दो कदम चली और फिर पलट के कहा भाई एक अमानत लेके जा रही हूँ करबला में साथ दो लौटाऊंगी वो अली अकबर अकबर की सदा सुनकर अकबर की सदा सुनकर
Bye.
Yeah.